हाय फ्रेंड, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टमाटर की चटनी बनाना सिखाऊंगी। आधा किलो टमाटर है और मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये तेज पत्ता है। यहाँ पर 2 से 4 खड़ी लाल मिर्च है, थोड़े से बादाम है और थोड़े से पिस्ते हैं। आप इसमें नारियल का भी यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास अभी नारियल ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप ज़रूर नारियल का यूज़ कीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं है, आपको नहीं पसंद, आप स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने जीरा लिया है और यहाँ पर मैंने तेल लिया है। मैं थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें जीरा का छौंका दूंगी। यहाँ देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है, जीरा जल गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। थोड़ा सा और मैं तेज पत्ता डाल दूंगी, खड़ी मिर्च, इन सब सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं डाल दूंगी। आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया। अभी थोड़ा सा हल्का सा जल जाए। अब मैं इसमें आपको टॉप सीक्रेट चीज़ बताती हूँ। देखिए, मैंने टेबल सॉल्ट लिया है, जो नॉर्मल नमक होता है। मैं इसमें इसको डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसको इसमें मिला देंगे और हल्का सा इसको चला देंगे। और ये जो टमाटर है, टमाटर को मैं इसमें डाल दूंगी। नमक डालने की वजह से टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएगा और मीठा और नमक की वजह से प्लस साइज में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देख सकते हैं, देखिए ये देखिए। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। ये देखिए, इसमें 2 गुड़ का टुकड़ा डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, तो चीनी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आप गुड़ का यूज़ कीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छा से पक जाए। इसको आप बीच बीच में इसमें चलाते रहेंगे और फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू दिखाती हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड, हमारी चटनी, देखिए नमक डालने से कितना जल्दी पानी छोड़ता है और टमाटर देखिए अच्छे से गल जाता है। आप देख सकते हो, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए थोड़ा सा ये और हल्का सा सूखेगा। देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है और नमक डालने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और गुड़ डाल के आप एक बार जरूर ट्राई करना। मैं इसको ऐसे ढक दूँगी, इसको पकने दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड, हमारा चटनी बनना के तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा टमाटर का चटनी, देखिए बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि मैंने इसमें चीनी का यूज नहीं किया और नमक डालने की वजह से एक अलग सा फ्लेवर आता है। आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।